तो गाइस इधर आप लोग को पता होगा कि ये लास्ट एपिसोड में हम लोग के ऊपर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था। जीओआर साइंटिस्ट ने फैला दिया था पूरे लॉस सैंटोस में। उससे बचते बचाते हुए मैं और ये ऑफिसर यहाँ पे आ चुके हैं। अरे मुझे भूल गई क्या, गाइस यार हमारे लॉस सैंटोस में ज़ॉम्बी अटैक हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी तक ज़ॉम्बी नहीं पहुंचे हैं। और देख रहे हो लोग कितना जल्दी जल्दी शहर छोड़ के भाग रहे हैं। पर गाइस यार एयरपोर्ट में भी ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया होगा जहाँ तक मुझे लगता है, और ट्रेन बंद है इस टाइम यार। तो गाइस यार मैंने ये सॉल्यूशन निकाला है कि यहाँ पे ये पूरी खाली जमीन है, और मैंने कर्नल को भी फोटो भेज दिया है। यहाँ पे हमें कैंप बनाने वाले हैं जहाँ पे लॉस सैंटोस के वासियों को रखने वाले हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल सेफ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो एक काम करते हैं, इंतजार करते हैं कर्नल के फोन आने का। और वैसे गाइस अगर हमारे चॉप को किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया तो चॉप बन जाएगा चॉप द ज़ॉम्बी डॉग। और गाइस मैं नहीं चाहता कि हमारे चॉप ज़ॉम्बी डॉग बने। अरे यार थैंक यू सिंचन, तूने मेरे लिए ऐसा सोचा। गाइस यार हम देखते हैं अब क्या होगा यार। गाइस यार मेरे को कर्नल के फोन का वेट है, और उनका फोन आएगा तो मैं काम स्टार्ट करवा दूंगा। बस कर्नल अप्रूव दे दे कि यहाँ पे बेस कैंप बना दे, तो बस इंतजार करते हैं कर्नल के फोन का। हाँ यार पक्का सर फोन कर ही देंगे। रुक रुक फोन आ रहा है। हाँ कर्नल बोलिए क्या हुआ, आपको जगह कैसी लगी ये बेस कैंप बनाने के लिए? अरे यार बिल्कुल सही है, वहाँ आसपास पानी तो है ना? अरे पानी, हाँ पानी तो है, मैंने अभी देखा यहाँ से बगल से पानी भी बह रहा नदी के लिए। अरे हाँ तो ये जगह को मैं अप्रूव करता हूँ और सारा सामान भिजवाता हूँ, ठीक है? और कर्नल पैसे? अरे पैसों की दिक्कत कम मत करो, पैसों से मैं लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट से पैसे मैंने मांग लिए हैं, तुम बस काम को अच्छे से करवा देना, ठीक है? पैसे मेरे अकाउंट में भेज दो फटाक से। अरे हाँ ठीक है। सो गाइस यार अरे क्या बोला कर्नल ने? कर्नल ने अप्रूव दे दिया। गाइस कर्नल ने अप्रूव दे दिया यहाँ पे हमें बेस कैंप बनाने के लिए। बल्ले बल्ले यार बल्ले बल्ले, गाइस अब हम ज़ॉम्बी से बच सकते हैं यार। गाइस यार अब मुझे फटाफट से यहाँ पे काम स्टार्ट करवाना पड़ेगा। कुछ सामान तो यहाँ पे रखा हुआ है पहले से, और बाकी के सामान मुझे मंगवाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी फटाक से मुझे फोन करना पड़ेगा। और एक मिनट गाइस, ये है डीलर का फोन। हेलो डीलर। अरे हाँ बोलिए सर क्या हुआ? इस लोकेशन पे तुम मेरे को इतना सामान ला के दो जहाँ पे हम एक बेस कैंप बना सके, लॉस सैंटोस के वासी रह सके यहाँ पर, ऐसा फटाफट से कुछ ट्रक लेके आ जाओ फटाक से यहाँ पर। अरे हाँ सर अभी लाया। सो गाइस यार अभी तो सामान आने में टाइम होगा, तब तक हम खाली नहीं बैठ सकते, फेंक भी हम लोग खाएंगे पियेंगे क्या यार? वैसे गाइस इधर सिंचन ने भी बहुत बढ़िया बात बोली है, हम खाएंगे पियेंगे क्या, पी तो हम पानी भी लेंगे, लेकिन यार हमें दूध भी चाहिए, और दूध पीने के लिए हम लोग को गाय चाहिए, और गाय तो हम लोग के पास है नहीं। एक काम करते हैं, पास में एक तबेला है तो तबेले में जाके कुछ गायें खरीद के ले आते हैं। ऑल राइट गाइस हम लोग आ चुके हैं तबेले के पास। अरे यार अंकल से बोलो वो तबेले में से गाय दे देंगे। गाइस यार वैसे हमारे पास एक बंदर है जिसका नाम फ्रैंकलिन है। अरे यार अभी ये सब मजाक करने का काम नहीं है सिंचन, एक मिनट गाइस ये ज़ॉम्बी की कौन, अरे तुम्हें किसी ने काटा तो नहीं है ना? अरे क्या बोल रहे हो काटा, अरे किसने काट लिया मेरे को? गाइस मुझे लग रहा है कि ये ठीक ठाक है, चलो इससे बात करते हैं। सुनो अंकल मेरे को कुछ गायों की जरूरत है। अरे कितनी गायें चाहिए बताइए, और कहाँ भिजवानी है? मेरे को 7 से 8 गायें चाहिए, जो यार मेन रोड के उस पार ही है, तो कम से कम मेरे को फटाक से पहुँचा देना कम से कम जल्दी टाइम पर। अरे हाँ ठीक है ठीक है। वैसे तुम ये बेस कैंप ये सब क्यों बनवा रहे हो? बेस कैंप? अरे यार आपको पता नहीं है क्या, लॉस सैंटोस में ज़ॉम्बी का अटैक हो चुका है, और आप भी सेफ रहिए और घर से बाहर मत निकलिएगा जल्दी, ठीक है ना? क्या मैं आप लोग के कैंप पे रह सकता हूँ? हाँ हाँ जब बन जाएगा तो आप रह सकते हैं, उसके बदले आपको गायें देनी पड़ेंगी, आपको ये शर्त मंजूर है? अरे हाँ हाँ मैं सारी गायों के साथ पहुँच जाऊंगा खुद ही। बाप रे बाप मुझे बस एक बार बचा ले यार ये लोग। सो गाइस यार लास्ट टाइम तो लेबोरेटरी के पास और बेस कैंप के पास सारे ज़ॉम्बी आ गए थे, लेकिन अब तो मुझे लगता है लॉस सैंटोस में भी यार ज़ॉम्बी फैल गए होंगे। फ्रैंकी भैया क्या बोलते हो यार, हम इस गाड़ी से कब तक घूमेंगे? गाइस गाड़ी की हालत एकदम खराब हो चुकी है, ये कभी भी बंद हो सकती है यार। गाइस यार सही बोल रहा है सिंचन, इस गाड़ी ने हमारा बहुत मदद किया है, क्योंकि इससे हमने कई ज़ॉम्बियों को ठोका भी है। एक काम करते हैं, देखते हैं हमारा सामान आया कि नहीं घर बनाने के लिए और पूरा बेस कैंप बनाने के लिए। तो गाइस फटाफट रोड पार करते हैं और आराम से यार। सो गाइस अभी हम लोग जाते हैं और यार अपने कैंप के पास जाते हैं और देखते हैं मतलब कैंप का सामान आया है कि नहीं। और यार एक बात बताओ, हम लोगों को ज़ॉम्बी काटेंगे तो यार हम लोग एक दूसरे का साथ कैसे देंगे? नहीं नहीं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। अरे सामने देखो सारा सामान आ गया यार। गाइस यहाँ पे तो फटाक से सारा सामान आ चुका है, इतने बड़े बड़े ट्रक्स, और भाई वो कौन सा ट्रक है मुझे खुद भी नहीं पता। अरे सर आ गया ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर आप ही हो क्या? हाँ मैं ही हूँ। एक मिनट गाइस मुझे इनसे डर लग रहा है, इनमें से कोई ज़ॉम्बी तो नहीं? नहीं सर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, मैं सब लोगों को ध्यान से लेके आया हूँ, मुझे पता है कि शहर में ज़ॉम्बियों का अटैक हुआ है, हम लोग बहुत अलग थे सभी लोग।
एक मिनट मुझे चेक करने दो, यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी है? अरे सर हम ज़ॉम्बी नहीं है। अरे मुझे तो चेक करने दो, यहाँ पे भाई बेस कैंप बनवाना है, मेरे को कोई खतरा नहीं लेना। गाइस यार यहाँ पे मुझे लगता नहीं कोई ज़ॉम्बी होगा, ज़ॉम्बी होता तो मेरे पे अब तक अटैक कर चुका होता। सो गाइस यार इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। चलो चलो यार फेंक भी, इन्होंने तो सब्सक्राइब भी कर दिया। चलो ठीक है गाइस, अब मैं इन लोगों को बता देता हूँ हमें बेस कैंप कैसा बनवाना है। हाँ सर, हाँ सर बताइए, जो मतलब बेस कैंप कैसे बनाना है? तो सुनो, ये जितना भी खाली जगह दिख रहा है आप लोग को, इसको पूरा वाड़े से कवर करना है, जो अंदर कोई आ ना सके। अरे सर हमें पता है बेस कैंप क्या होता है, एक बार आप देख लीजिए, सामान कोई रह तो नहीं गया, वो सारे सामान अभी आ भी रहे हैं। ऑल राइट गाइस, सही बोला जा रहा है। यहाँ पे मैं पूरा सामान चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे लकड़ी भी आ चुकी है, पानी भी आ चुका है, और काफी हैवी मशीन भी। और अरे यार यहाँ देखो कैंप भी आ गए हैं गाइस, यार यहाँ पे रिमूवल मतलब जो घर रिप्लेस हो जाते हैं वो वाले कैंप भी आ गए हैं यार। सर सर अभी तो मेरे को कर्नल का फोन आया था, कर्नल ने बोला कि वो वेपन्स भी भेज रहे हैं यहाँ पर, और कुछ आर्मी बॉडीगार्ड्स भी भेज रहे हैं। चलो ठीक है, ये बात भी कर्नल ने ठीक की। अरे यार अंकल एक बार मैसेज करके उनको लिख दो कि व्हाट्सएप पर भी भेज दे, ताकि हम लोग कैंप से अंदर होके भी बाहर देख सके कि बाहर ज़ॉम्बी कितने सारे हैं। ठीक है मैं उनको लिख देता हूँ कि इम्पोर्टेंट सामान सारे मंगा ले। ऑल राइट गाइस, सुनो सारे यहाँ पे बनाना स्टार्ट करवा दो, और मैं जब तक यहाँ पे घूमता रहता हूँ, आप लोग फटाफट से सारा काम स्टार्ट कर दो। अरे सर अब घूमोगे, घूमने से अच्छा कोई काम कर लो आप। ओह यार ये बात भी सही बोल रहा है। वैसे गाइस यार मेरे पे गाड़ी नहीं है जिससे मैं ज़ॉम्बी के अटैक से बच सकूं, और ये गाड़ी भी खराब हो चुकी है। अरे सुनो मैनेजर अंकल। अरे हाँ बोलिए क्या हुआ। अरे यार एक काम करो, आप लोग भी गाड़ियों का इंतजाम कर लेना अच्छी अच्छी अरे हाँ वो हमें कैंप की तरफ से दे दिया जाएगा, जाइए सर आप लोग अपने लिए गाड़ी देख के आइए। चल सिंचन हम लोग चलते हैं। भाई सब कितनी बड़ी गाड़ी है, ये सब छोड़ अब हम लोग चलते हैं अपने लिए सेफ गाड़ी ढूंढने के लिए। अरे हाँ हाँ सिमोन के पास होगी भाई बढ़िया बढ़िया गाड़ी, ये देखो यार यहाँ पे ये लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं। गाइस यार ये एरिया ना लॉस सैंटोस से बहुत दूर है। अरे 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 गाइस यार भाई साहब लॉस सैंटोस के वासी इतने डर चुके हैं कि वो लोग मुझे ठोक रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये इनकी गलती नहीं है, ये ज़ॉम्बी का डर है। गाइस एक काम करते हैं, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सिमोन के पास। गाइस यार अभी हम लोग इसलिए बच रखे हैं क्योंकि ये लॉस सैंटोस से काफी ज्यादा दूर है यार। अरे गाड़ी क्यों रुक रही है यार? भाई साहब गाड़ी तो बंद हो रही है, इंजन भी बंद हो रहा है। अरे थोड़ा घसक जा भाई सिमोन के दुकान तक तो चल जा। नहीं यार ये तो चल ही नहीं रही। एक काम करता हूँ पहले बाहर निकलता हूँ, इसमें चेक करता हूँ हो क्या रहा है। और गाइस यार इसमें तो कुछ, अबे भाई चालू हो जा, एक काम कर, अबे चालू होगी सिंचन, जल्दी बैठ चालू होगी फटाक से। अरे वाह यार ये तो बढ़िया है। अरे वाह यार एक काम करो जल्दी चलो, इस गाड़ी का कोई ठिकाना नहीं कब बंद हो जाए, जल्दी से सिमोन के शोरूम चलते हैं यार। चलो ठीक है गाइस यार ये गाड़ी कब बंद हो जाए हमें पता नहीं, एक काम करते हैं फुल स्पीड में सिमोन के पास चलते हैं और देखते हैं लॉस सैंटोस का क्या हाल है। ऑल राइट गाइस यहाँ पे यार ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज। अरे ज़ॉम्बीज अरे भागो। गाइस यार देखो ये लोग तो हमारे पीछे आ रहे हैं, और इन लोग को पता ही नहीं कि मेरी गाड़ी आ भी रही। और बेट कुत्ता भी बन चुका है भाई ज़ॉम्बी, ये देखो मैडम। अरे ऐसी बातें मत बोलो यार मुझे डर लगता है। गाइस यार यहाँ तो देख लो हर जगह ज़ॉम्बी 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 ज़ॉम्बी। अरे यार मत डरो यार मुझे भी मत डराओ। तेरी यार पूरे लॉस सैंटोस में ये वायरस फैल चुका है सिंचन, अब क्या करेंगे, इन लोगों को कैसे बचाएंगे भाई। अरे यार कोई ना कोई तो होगा इलाज यार, चलो जल्दी चलो। गाइस यार ये गाड़ी का टायर कैसे हो गया? तो गाइस अभी हम लोग यार सिमोन के शोरूम के पास आ गए, और लॉस सैंटोस का हाल बुरा होते जा रहा है यार डेली बाई डेली। गाइस यार एक एक घंटे में इतने सारे ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। ओ तेरी फिर से गाड़ी बंद हो रहा है सिंचन, अब क्या करेंगे। अरे वापस लात मारो, और ज़ॉम्बी हमारी तरफ आ रहे हैं, अरे जल्दी लात मारो यार। गाड़ी की आवाज सुन के वो सबके सब हमारी तरफ आ रहे हैं। गाइस अब क्या करें, मेरे पास गन तो है लेकिन को मार नहीं सकता। अरे गाड़ी स्टार्ट हो जा, और गाड़ी में हाथ रख गया। अरे जल्दी में कुत्ता काट रहा है आपको। गाइस यार मैं ज़ॉम्बी बन जाऊँ, जल्दी बैठ सिंचन जल्दी बैठ, अंदर जा रहे हो रुको। तेरी गाइस अब तो इसको मारना पड़ेगा मजबूरन, और तेरे को सॉरी यार। तो गाइस हर तरफ ज़ॉम्बी आ रहे हैं। अरे फेंकी भाई जल्दी से चलो, ये शोरूम का पीछे गेट है यार, शोरूम के पीछे गेट है, जल्दी चलो यार सबको मारो। गाइस यार सारे के सारे ज़ॉम्बी हमारी गन की आवाज सुन के हमारे पास आ रहे हैं। चलो जल्दी चलो यार। ओ यार आर्मी ऑफिसर तुम क्या कर रहे हो, मुझे बचाओ। अरे सर मैं क्या बताऊँ, मेरे को डर लग रहा है इन लोग से, बस मैं तो आपके साथ घूम रहा हूँ। गाइस यार ये आर्मी ऑफिसर क्या है। अरे यार फेंकी भाई ज़ॉम्बी हमारी तरफ आ रहे हैं, जल्दी से गेट खोलो। अबे भाई साहब यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, अब क्या करेंगे। ओ तेरी यहाँ से हमें घेर लिया, इधर से जाना इम्पॉसिबल है सिंचन, जल्दी जल्दी भाग क्या। और सामने एक और ज़ॉम्बी है, इसको मार देता हूँ गाइस, फटाफट से चलते। अबे यार क्या करूं, अबे ये तो
गोली से भी नहीं मर रहे भाई। गाइस यार इनका कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर हम इनको गोली मार रहे तो सिर्फ ये बेहोश हो रहे हैं, फिर 5-10 मिनट बाद ये वापस खड़े हो जा रहे हैं। फिंकी भाई जल्दी चलो यार। मैं तो जल्दी आ गया, तुम लोग जल्दी आ जाओ। गाइस इधर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे तुम्हारा भाई इन ज़ॉम्बीज को हरा सके। और ये ले और ये भी ले। गाइस यार हमारे पास लिमिटेड एमओ ही है यार। अरे यार जल्दी चलो, ज़ॉम्बीज पीछे से आ रहे हैं यार। अरे हाँ जल्दी आ जाओ, लगता है सामने वाला गेट खुला है, जल्दी जल्दी आ जाओ। गाइस अरे फ्रैंकलिन तुम आ गए क्या? अरे हाँ हाँ, तुम सेफ तो हो ना, तुम ठीक हो ना, तुम्हें किसी ने काटा तो नहीं? अरे जस्ट मैं अभी उधर का ताला लगा के आया। अरे तुम ज़ॉम्बी तो नहीं हो? और जब से ज़ॉम्बी इधर थे नहीं, अब ज़ॉम्बीज का अटैक हो रहा है। अरे ताला लगा लो जल्दी से। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैंने बंद कर लिया है फटाक से, और ज़ॉम्बीज को देखो कैसे यार हमारे आस पास घूम रहे हैं। गाइस यार ये लोग तो हमें खा लेंगे। यहाँ पे सिमोन ने पूरा लॉक लगा रखा है। अबे अंदर नहीं आना किसी को, हट जाओ यार सामने से। अरे यार हट रहे हो कि नहीं? अरे टेंशन मत लो, यहाँ पे मैंने एक हमारा सेंसर वाला मिरर है, यहाँ पे जब मैं टच करूंगा और जब मैं बोलूंगा तो वो मिरर अपने आप हट जाएगा, हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं यार। चलो ठीक है गाइस, यार सिमोन के पास ये बढ़िया वाली व्हीकल भी है। और सिमोन एक काम करो, ये व्हीकल मुझे दे दो और तुम भी हमारे साथ चलो, हम एक आर्मी बेस कैंप बना रहे हैं जहाँ पे लॉस सैंटोस की जनता सेफ रहेगी। तुम्हारा यार धन्यवाद, मैं सोच रहा था मुझे कोई बचा ले। एक काम करो तुम वहाँ पे स्टिकी बॉम्ब लगाओ और उन सबको जल्दी से ठोक दो। अरे सिंचन इधर आ जाओ। अरे यार आया आया। सो गाइस यार यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है डेली। अरे यार सामने से हट जाओ, बम फटने वाला। ए ओ गाइस बड़े तेज बम फूटा यार। अरे बिल्कुल कान हिल गए मेरे तो। एक काम करो जल्दी गाड़ी में बैठो यार। चलो ठीक है गाइस, एक काम करते हैं, फटाफट इस गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं फटाक से अपने बेस कैंप की तरफ जहाँ पे लॉस सैंटोस की जनता सेफ रहेगी। अब 1, 2, 3 गाड़ी को स्टार्ट कर चुका हूँ और गाड़ी में पावर भी बहुत ज्यादा है। रुको रुको मुझे सेंसर ओपन कर दो। सेंसर ओपन, गेट ओपन, मिरर हट जाओ। ओ गाइस यार लॉस सैंटोस की सारी जनता बन चुकी है ज़ॉम्बी। और गाइस यार ये कैसा गेट था, ये तो एकदम आर पार हो गया। अरे यार क्या बताऊं, अरे देखो ये गाड़ी बहुत पावरफुल है, तुम छू के देखो सब उड़ जाएंगे यार। गाइस एक और बात मैंने देखी ज़ॉम्बीज की। अरे यार इतनी ज्यादा दूर तक गई गाड़ी तो। जब ये लोग हमारी आवाज सुनते हैं, जब ये लोग हमारी तरफ आते हैं, वरना ये लोग शांत खड़े रहते हैं गाइस। अरे यार मैं ऊपर से देख रहा हूँ ना जा रहे, मेरा तो एकदम हालत खराब हो रहा है यार। चुप डर मत, हम लोग यहाँ से सेफ निकल जाएंगे क्योंकि यार हम लोग एक मजबूत गाड़ी के अंदर है। गाइस यार ये गाड़ी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक तो पता नहीं ये किस लोहे से बनी है, किसी को छू भी रहे तो उड़ जा रहा है, ये सारी ज़ॉम्बियों का खात्मा हो जाएगा यार। अरे यार ये बनी हुई है टीन से और टीन बहुत मजबूत होता है। एक काम करते हैं गाइस, फटाफट से चलते हैं अपने बेस कैंप की तरफ और देखते हैं हमारा बेस कैंप तैयार हुआ है कि नहीं। लगभग तो यार पूरी लॉस सैंटोस की जनता बन चुकी है ज़ॉम्बी और कुछ जो बचे हुए हैं वो छुपे हुए हैं। और यार यहाँ पे हाईवे में भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए। ये जहाँ हम कैंप बना रहे थे वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज आ गए यार, मतलब हमारा कैंप अब नहीं बन पाएगा क्या? अरे यार सिंचन बुद्धू है क्या, वो देख वहाँ बन गया और वहाँ पे बाड़े भी लगे हैं यार। गाइस यार मुझे ऐसा लगता है कर्नल ने अपने सिपाही भेजे होंगे जिससे बेस कैंप बहुत आसानी से बन गया होगा। कोई ज़ॉम्बी आता होगा तो यार आर्मी वालों ने मार दिया उसको। और यार पूरा बेस कैंप बहुत सिक्योरिटी से बना रखा है और यहाँ देखो पहले से भी कुछ ज़ॉम्बीज को मार रखे हैं यार। अरे यार बिल्कुल सही बोला। गाइस यार फटाफट एंट्री करते हैं। अरे हम लोग आ गए, गेट खोलो गेट खोलो, ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर फ्रैंकलिन है। अरे ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर फ्रैंकलिन है क्या, अंदर आइए। सो गाइस यार अभी इनने गेट खोला और गेट बंद भी कर दिया फटाक से। ओहो गाइस यार क्या बेस कैंप बनाया है इन लोगों ने, यहाँ पे यार पिग वगैरह भी पाल रखे और ये देखो आर्मी ऑफिसर्स भी आ रखे और क्या क्या व्हीकल लाए हुए, ये वेपन वाले व्हीकल लाए हुए जो यार ज़ॉम्बी से हमें बचाने में फेल। सर आप ही हो क्या ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर? हाँ हाँ मैं ही हूँ लॉस सैंटोस का ज़ॉम्बी। सर हमारे हेड से बात कर लीजिए। अरे हेड सर लीजिए बात करिए इनसे। हाँ तो आप ही हैं क्या ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर? हाँ मैं ही हूँ ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर। एक काम करना, किसी को भी मेरे से बिना पूछे अंदर मत आने देना ठीक है? यस सर, टेंशन मत लीजिए आप, एकदम बेफिक्र रहिए अंदर। गाइस यार मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, मतलब सर मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ ठीक है? चलो ठीक है। ऑल राइट गाइस यार अब अंदर देखना है, अंदर इन लोगों ने क्या क्या काम करवा रखा है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इनने इंस्टेंट एक घर बना रखा है और गाय भी आ गई है यार। गाइस यार उस बंदे ने यहाँ पे गाय भी भेज दिया, मतलब वो बंदा भी यहीं कहीं घूम रहा होगा। सभी गायों का ध्यान रखना ठीक है ना? यस सर। सो गाइस यार यहाँ पे देखो जो लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे प्रेयर हो रही है, काश यार वो लोग वापस इंसान बन जाए यार। मैं ऐसा करके रहूंगा सिंचन,
याद रखियो, सबको मैं जोम्बी से इंसान जरूर बनाऊंगा। और गाइस यहाँ देखो ये लोग भी रो रहे हैं, एक काम करो तुम लोग रो मत, मैं सबको यार इंसान बना दूंगा। और यहाँ पे खेती भी हो रही है सिंचन, क्योंकि हम खाएंगे क्या, खाएंगे जब ना जब कुछ उगेगा, और हम लोग बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि हम अंदर ही सेफ रहेंगे यार। अरे बिल्कुल सही बोले यार। गाइस यहाँ से हमें एकदम देख सकते हो कितनी ज्यादा, अरे वो क्या है फेंगी पे, वो क्या बन रहा है गाइस ये तो देखो कि हर एक नागरिक के ऊपर गन है, क्योंकि यार कर्नल ने यहाँ पे गन वगैरह भेज दिया को वेपन वगैरह। अरे नमस्ते सर, आप ही हो क्या ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर फ्रैंकलिन? हाँ हाँ मेरा नाम है ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर फ्रैंकलिन, लॉस सैंटोस का इंस्पेक्टर मैं ही हूँ। अरे यार तुम क्रॉप का ध्यान सही से रखना, अरे तुम ही हो ना जिसने गाय भेजी थी यहाँ पर? अरे हाँ सर हाँ, मैं कपड़े बदल के आ गया। हा, हा, हा। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे भी तो हमने सारा जुगाड़ बना रखा है, जो भी फैसिलिटीज चाहिए सबका सब यहाँ पे है। और लगता है अंदर टूल वगैरह रखा है। हाँ हाँ अंदर टूल ही रखा हुआ है यार। सर ये टूल रूम है, टूल रूम। अरे सर आप बाहर आ जाइए, मैं काम कर रहा हूँ। चलो ठीक है तुम लोग काम कर लो। और गाइज ये रूम बना रखे हैं, एक बार चेक करते हैं अंदर जाके कितना स्पेस है एक रूम के अंदर। ऑल राइट गाइज अंदर देखो क्या ही जगह है। अरे आप अंदर क्यों आ गए? अरे यार मुझे सोने दो। हाँ हाँ आप लोग सो लो, बस मैं इंचार्ज हूँ, मैं देखने आया हूँ कि रूम के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है। गाइज यार यहाँ पे रूम देखते हैं। अरे इसमें तो बढ़िया एक बेड है, बाथरूम है, सब कुछ है यार। गाइज यहाँ पे सर्वाइविंग के लिए सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे टीवी वगैरह भी है। चलो टीवी में कनेक्शन तो आ नहीं रहा, चलो बाद में लगवा दूंगा। ऑल राइट गाइस यहाँ पे ये लोग बहुत आराम कर रहे हैं। फ्रैंकलिन थैंक यू यार, तुम मेरे को अपने साथ ले आए यार। आप लोग ने यहाँ पे बेस कैंप बनवाया, लॉस सैंटोस की जनता को आपने यहाँ पे सुरक्षित रखा है। गाइस यार अभी तो सब लोग नहीं आए हैं, पर धीरे धीरे बहुत लोग आ जाएंगे, टेंशन मतलब। और यहाँ पे आर्मी के व्हीकल भी भेजे हैं और ज़ॉम्बी व्हीकल भी है यार। गाइस यार बस हमें कैसे ना कैसे लोगों को बचाना है और ज़ॉम्बी को हराना है। और यहाँ देखो कर्नल ने यहाँ पे वेपन भी भेज रखे हैं। अरे टेंशन मत लो, मैं लिबर्टी सिटी से और गाड़ियों का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? सर आप अंदर नहीं जा सकते। अबे मैं हूँ ज़ॉम्बी एक्सपेक्टर। अरे सर सॉरी। गाइस यार अंदर जाते और यहाँ पे वेपन वगैरह भी है। चलो ठीक है, इतने वेपन तो बहुत है हम लोग के लिए। नहीं यार फेंगी पे बहुत ज़ॉम्बी है, अभी और वेपन मंगाने पड़ेंगे। अरे सर कर्नल सर ने बोला है वो और भी वेपन भेज देंगे बाद में। अरे वाह यार मेरी मन की बात छीन ली। गाइस यार देख सकते हो हर तरफ लोग हैं, अपना अपना खाना पीना और बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। ये लोग सभी लोग ध्यान रखना, हम सबको एक साथ मिलके रहना होगा, ठीक है? अरे यार तू समझा रहा है मैं गिर रहा हूँ। गाइस यार यहाँ पे देखो हम लोग को यूनिटी चाहिए, तो हम सब साथ में रहेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे तो हम ज़ॉम्बी को हरा सकेंगे। तो गाइस अगर आप लोग हमारे साथ हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख दो कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं पार्ट 3 में क्या होगा यार। गाइस देखते हैं ज़ॉम्बीज का क्या होगा यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आप लोग हमारे साथ देना यार।